गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, हमारा चैप्टर फोर्थ पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। तो पंखुड़ी आपने चैप्टर फोर्थ पढ़ा है बेटा? नो मैम, मैम मैंने दो दिन मीटिंग नहीं की थी। क्यों, क्या हो गया था? मैम मेरी मासी की एंगेजमेंट थी, मतलब सगाई थी। अच्छा, एंगेजमेंट थी आपकी मासी की। yes, अच्छा चलिए चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर फोर्थ पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। तो चैप्टर फोर्थ है आपका फूड वी ईट। फूड वी ईट, ठीक है। फूड वी ईट। फूड इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर द लिविंग बींग। फूड क्या है, सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल पार्ट है। साथ में साथ आप क्या करते जाइए, हार्ड वॉच पे अंडरलाइन भी करते जाइए, ठीक है? यस मैम। तो फर्स्ट हार्ड वर्ड है आपका एसेंशियल, ESSENTIAL, essential part for the living being। food क्या है, सभी living being के लिए essential part है, मतलब जरूरी है। All living beings need food to grow and live। सभी living beings को किसकी जरूरत होती है, food की जरूरत होती है grow करने के लिए और live करने के लिए। Plants and animals are the source of food to us। Plants and animals क्या है, हमारे लिए source है, means हमें food कहाँ से मिलता है, हमें food मिलता है plants और animals से। We must eat a balanced diet to be healthy। हमें हमेशा क्या eat करना चाहिए, हमें हमेशा balanced diet food eat करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हम healthy रह सके। तो आपका second hard word है balanced। We should also drink plenty of water and exercise to stay fit। और उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, plenty of water को drink करना चाहिए और क्या करनी चाहिए, exercise करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम अच्छे से fit रह सके। अब food from plants। तो सबसे पहले जो हमें फूड मिलता है वो किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक राइस व्हीट एंड मेज। प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं, प्लांट्स से हमें सीरियल्स मिलते हैं। कौन से सीरियल्स मिलते हैं, जैसे हो गया आपके राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। They also give us pulses। और plants हमें और क्या देते हैं, cereals के साथ साथ pulses भी देते हैं। pulses कौन से हो गए आपके, जैसे pea, gram, arhar, moong, ये सारे क्या है आपके pulses है ना। तो ये सारे pulses हमको कहाँ से मिलते हैं, plants से मिलते हैं। Fruits and vegetables are also given by plants। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी आपको कहाँ से मिलते हैं, वो भी आपको प्लांट से ही, प्लांट से मिलते हैं। मिलती है क्या पंखड़ी, मेडिसिन भी प्लांट ही से मिलती है। मैम फिर से बोलिए बेटा। मैम बोलिए। एक मिनट मैम। मैम प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलता है और मेडिसिन भी मिलती है। हाँ, प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और मेडिसिन भी मिलती हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है फूड फ्रॉम
एनिमल, पर जो आपको प्लांट से ऑक्सीजन और मेडिसिन मिलती हैं वो हमारे फूड नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं जिसको हम ईट करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन और मेडिसिन आपके फूड नहीं होते हैं, ठीक है। उससे हम मेडिसिन बनाते हैं प्लांट से, जिससे क्या होता है जब भी अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उस मेडिसिन को लेके हम क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ठीक, ओके पंकुड़ी। हाँ बोलिए। इसको मैं कॉपी में कर लूं? हाँ बेटा, हार्ड वर्ड्स को आपको कॉपी में ही करना है, ठीक है, और लर्न करके करना है। ठीक, ओके। चलिए, तो ये थे आपके फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से आपको कौन कौन से फूड मिलते हैं? तो एनिमल्स गिव अस मीट, एग, फिश एंड मिल्क। एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलता है? मीट मिलता है, एग मिलता है, फिश मिलता है और मिल्क मिलता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बैलेंस्ड डाइट होती है उसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। तो फर्स्ट हार्ड वर्ड है आपका एसेंशियल, सेकंड है आपका बैलेंस्ड डाइट, ओके। देन थर्ड हार्ड वर्ड है आपका कार्बोहाइड्रेट। थर्ड वर्ड क्या है? कार्बो, CARBO, कार्बो, HYDRAES, कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ है आपका प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन। फोर्थ क्या है आपका? PROTEINS, प्रोटीन। पूरा बैग साला इधर से उधर फेंके रहा, पूरा इधर से काफी ना अच्छे ना किताब Add word. Then fifth है आपका प्रोटीन के बाद आपका क्या है? Fat. FATS, fats. Then sixth है आपका vitamins. VITAMINS, सेवेंथ है आपका मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। तो आपके हार्ड वर्ड क्या है? फर्स्ट वाले हार्ड वर्ड में लास्ट से स्पेलिंग है आपका LESSENTIAL, essential. First क्या है आपका? ESSENTIAL, essential. Second है आपका balanced diet. Second है आपका balanced diet. BALANCED, balanced, DIET, diet. Then third अब वो hard word है आपका कार्बोहाइड्रेट।
CARBO कार्बो HYDRATES हाइड्रेट्स। देन फोर्थ है आपका प्रोटीन PROTEINS प्रोटीन्स। क्या है PROTEINS प्रोटीन्स। फिर फिफ्थ है आपका फैट FATS फैट। सिक्स है आपका VITAMINS विटामिन। सिक्स क्या है आपका VITAMINS विटामिन। देन सेवेंथ है आपका मिनरल्स MINERALS minerals। फिर अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड में प्रेजेंट होता है ब्रेड में पोटैटोस में राइस में है ना और भी ऐसे कई सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि क्या हो सके हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। फिश मीट नट्स एग्स एंड चीज आर रिच कैरियर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो फिश मीट नट्स एग चीज है ये क्या है प्रोटीन के रिच कैरियर्स है। मीन्स इनमें क्या होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट आपका एक थर्ड वर्ड हो जाता है कैरियर्स CARRIERS कैरियर्स। क्या है CARRIERS कैरियर्स। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है फैट। अब फैट क्या होता है Fats give our body energy that can be stored and provide a fat layer under our skin to keep us warm. Fat क्या करता है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और उसके साथ साथ क्या करता है फैट की लेयर को स्टोर करता है और क्या करता है हमारी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर बनाता है जिससे क्या होता है हमारी जो जो बॉडी होती है वो वार्म रह पाती है। बटर एंड चीज प्रोवाइड अस फैट। तो हमें जो बटर और चीज होता है बटर चीज ऑयल घी इनसे क्या मिलता है इनसे हमें फैट मिलता है। ओके अब नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है हेल्प अस टू ग्रो। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं हमको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बिल्ड आवर बोन्स मसल्स एंड टीथ। और क्या करते हैं हमारी मसल्स को बोन्स को टीथ को क्या करते हैं बनाते हैं। कैसे क्या बनाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे ऑल्सो कीप आवर ब्रेन वर्किंग। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं हमारे जो ब्रेन होता है उसको वर्क करने में हेल्प करते हैं। Fruits, vegetables, fish and milk are rich in vitamins and minerals. तो जो भी fruits हैं, vegetables हैं, fish हैं, milk हैं, ये किसमें rich होते हैं? ये vitamins और minerals में rich होते हैं।
तो बताइए सबको हार्डबोर्ड समझ में आए, चैप्टर समझ में आया सबको? पंखुड़ी प्रभात बताइए स्वास्थ्य। यस मैम। हार्डवर्ड्स हो गए सबके? यस मैम, मैंने लिख लिया। ओके मैम, मेरे क्या हुआ स्वास्थ्य? अच्छा जल्दी से करिए स्वास्थ्य। तो फर्स्ट हार्ड वर्ड क्या है आपका? ESSENTIAL, essential. Then second है आपका BALANCED, balance. DIET, diet, balance diet. फिर थर्ड है आपका CARBO, carbo. HYDRATES, hydrates. थर्ड क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ है आपका प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन। फोर्थ क्या है? PROTEINS, प्रोटीन। फिर फिफ्थ है आपका FATS, फैट। फिफ्थ क्या है आपका? FATS, फैट। फिर सिक्स है आपका विटामिन, VITAMINS, विटामिन। फिर सेवेंथ है आपका मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। सेवेंथ क्या है? MINERALS, मिनरल्स। लास्ट आपका एट है कैरियर्स, CARRIERS, कैरियर्स। क्या है? CARRIERS, कैरियर्स। तो बताइए सबको हार्डवर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए? यस मैम। चलिए पंखुड़ी रीड करके सुनाइए। ओके मैम। ESSENTIAL, नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा पंखुड़ी? मैम मुझे सब कुछ दिख रहा है। अच्छा पंखुड़ी क्या नहीं दिख रहा आपको बेटा? मैम मुझे सब दिख रहा है, आवाज वॉइस भी सुनाई दे रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। ठीक, तो इसको पढ़िए क्या लिखा है ये? Essential. ESSENTIAL, essential. बोलिए essential, बोलिए essential. essential. चलिए सेकेंड पढ़िए, BALANCED, balance diet. Very nice. Third पढ़िए, CARBOHYDRATES, carbo carbohydrate, carbohydrate. हाँ कार्बोहाइड्रेट। चलिए फोर्थ पढ़िए, PROTEINS, proteins. Five. FATS, fats. VITAMINS, vitamins. MINERALS, minerals. Minerals. C A R R I E A
आर एस सी ए डबल आर आई ई आर एस कैरियर्स कैरियर्स वेरी नाइस। चलिए अब प्रभात आप रीड करके सुनाइए। प्रभात हाँ अंबिका मैम गुड मॉर्निंग मैं सुनाऊ क्या? चलिए आप सुनाइए अंबिका। E E double S E N T I A L essential. B A L A N C E D balanced D I E T diet. A R B O H Y D E D R A T E S carbohydrates. B R O T E I N S proteins. F A T E S fats. V I T A M I N S vitamins. M I N E R A L S minerals. लास्ट पढ़िए। ये पढ़ लीजिए वाला। C A R R I E R S carriers. Very good. चलिए प्रभात माइक अपना म्यूट करिए और रीड करके सुनाइए सभी हार्ड वर्ड्स। स्वास्तिक चलिए अब आप रीड करके सुनाइए। मैम हाँ प्रभात ई डबल एस E-N-T-I-A-E T-I-A-L Essential Essential B-A-E-A-N B-O-A-L B-A-L-N A-N-T-E-D D I balance diet R T R diet T A R O T नहीं ये वाला T A R D B O B O D O H U Y D R A E-S Carbohydrate Next पढ़िए P-R-O-T P-R-O-T-E-I-N-S Protein F-A-T-S Fats V I T A M I N S vitamins M I N E R A L S Minerals. C A double R I E R S. Carrier. Good. S C A C. हो गया। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे अच्छे से इन हार्ड वर्ड्स को याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे ओके
अपनी कॉपी में टू टाइम्स लिखेंगे याद करके, ठीक है? आप लोग याद करिएगा और अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि आपको क्या करें, इन हार्ड वर्ड्स की डिक्टेशन बोलें, ठीक है? ओके, याद करके फिर अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि डिक्टेशन बोले इसकी और फिर अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा हार्ड वर्ड, स्पेलिंग्स आपकी स्ट्रॉन्ग याद होंगी, ठीक है? अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग। मैम, हाँ, वो मैंने वन टाइम लिख लिया, टू टाइम मैं अपने पेरेंट्स से डिक्टेशन बोलवा के लिखवा दूँगी। हाँ, हाँ, would we get from? अब आप क्या करेंगे, फूड बी ग्रेट फ्रॉम का चार्ट बनाएंगे। तो हमें फूड किन से मिलता है बताइए, प्रभात बताओ, फूड हमें किस से मिलता है? मैम हम बताएं, बताओ, प्लांट से। प्लांट से और किस से मिलता है? मैम वेरी गुड, किससे मिलता है फूड हमें? प्लांट्स और सीरियल्स मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। मिल्क से भी मिलता है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड हमें मिलता है प्लांट से। अविका एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट सुनिए आप, पहले फूड हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। अब बताइए कि प्लांट से हमको कौन कौन से फूड मिलते हैं? मैम जैसे, हाँ अविका आप बताइए, प्लांट से आपको कौन कौन से फूड मिलते हैं? सीरियल्स मिलते हैं, पर्ल्स मिलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। वेरी गुड, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं और क्या मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है? तो ये आपको मिलते हैं प्लांट से। तो प्लांट से आपको क्या क्या मिलते हैं? एग, फिश, मिल्क, मीट। प्रभात आप बताओ, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मैम मीट, मिल्क, मीट, एग एंड फिश। वेरी गुड, मीट, मिल्क, एग एंड फिश। तो ये आपको किससे मिलते हैं? ये आपको एनिमल्स से मिलते हैं। तो आप सबको क्या करना है, इस चार्ट को आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है? ओके, यस। चलिए, सबका इतना कंप्लीट हो गया? मैम बोलिए। मैम अपनी कॉपी भी बनाना है ना? हाँ बेटा, आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है? ओके। और मैम आप देखिए, नहीं अविका, जिस जिसने इसको कर लिया है वो कॉपी में इसको नहीं करेंगे, ठीक है? पर हार्ड वर्ड्स को क्या करेंगे, टू टाइम लर्न करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। मिलता है एनिमल से में क्या मिलता है, ये मैंने कॉपी पे कर दिया था। हाँ, तो इसको आपको नहीं करना, आपको जो डिक्टेशन है ना उसको लर्न करके मम्मा या पापा से डिक्टेशन बुलवाइएगा और फिर उसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? ओके मैम। चलिए अब देखिए, आप लोग अपनी बुक खोलिए बेटा, आप लोग फोर्थ चैप्टर की बुक खोली है मैंने।
उसमें खोलिए, ठीक उसमें खोलिए पेज नंबर 28 ओपन कर दिया। हाँ देखिए उसमें आपको कुछ ये दिखाई दे रहा होगा, ड्रॉ एंड कलर टू ग्रीन वेजिटेबल्स इन द बॉक्स। तो इस बॉक्स में क्या करना है आपको, हमें इस बॉक्स में ग्रीन वेजिटेबल्स की पिक्चर बनानी है। हाँ और इस बॉक्स में आपको ड्रॉ टू वेजिटेबल्स दैट आर नॉट ग्रीन इन द बॉक्स, और इसमें आपको क्या करना है, नॉन ग्रीन वेजिटेबल्स की पिक्चर बनानी है। इस बॉक्स में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स की, इस बॉक्स में आपको नॉन ग्रीन वेजिटेबल्स की पिक्चर बनानी है। ओके तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। सबको इतना होमवर्क कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है मैम। ओके बोलिए मैम, ये जो आप ये वाला जो आप पढ़ाई है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स और सीरियल को कॉपी पे कंप्लीट कर देना है क्या, ये वाला? यस मैम। ये आप बेटा कॉपी में बना चुके हो ना, तो इसको आपको नहीं बनाना है, जिसने नहीं किया है वो अपनी कॉपी में करेगा, ठीक है। जिसका ये चार्ट कॉपी में कंप्लीट है वो सिर्फ हार्ड वर्ड्स को याद करेगा और उसको 2 times अपनी कॉपी में लिखेगा। ओके और क्या करेगा, आपको जो अभी पेज नंबर 28 पे ये जो ड्रॉइंग्स बताई हैं इसको करना है, ठीक है, और कलर करना है अच्छे से, ठीक। चलिए बाय बच्चों। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय।